नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। 26 दिसंबर से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का आगाज हो जाएगा, जिसे लेकर भारतीय टीम ने अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इस श्रृंखला से सभी भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत के पिछले कई विदेशी दौरे लाजवाब गए हैं, तो ऐसे में पूरा देश भारतीय टेस्ट टीम को दक्षिण अफ्रीका में जीतते हुए देखना चाहता है। इस टेस्ट सीरीज से सभी भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली से उनके 71वें टेस्ट शतक की उम्मीद कर रहे हैं, जो पिछले 2 सालों से कोहली के बल्ले से नहीं निकला है। मगर इस श्रृंखला में कोहली एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं जो द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं। कोहली भारत की तरफ से दक्षिण अफ्रीका की धरती पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। विराट कोहली साउथ अफ्रीका में अब तक 5 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 558 रन बनाए हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की धरती पर राहुल द्रविड़ 566 और VVS लक्ष्मण ने 624 रन बनाए थे। विराट कोहली को इन दोनों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब सिर्फ 67 रनों की दरकार है। अगर विराट कोहली ये 67 रन बना देते हैं तो उनके नाम भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। वैसे बात करें दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की, तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। मास्टर ब्लास्टर ने 15 मैचों में 1161 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था। बता दें कि भारतीय टीम आज तक दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट में उनकी धरती पर सीरीज नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम ने महज एक बार ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनकी सरजमी पर साल 2010 में सीरीज 1-1 से ड्रॉ करवाई थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।